जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में कैसे हैं आप लोग मेरे भाई बढ़िया है मजे में है बाल बच्चे कैसे हैं बताओ <laughs> बहुत 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 शानदार बहुत मजे में बहुत अच्छे और बताइए कैसे हैं आप लोग बढ़िया है पुष्पराज झुकेगा नहीं है सही है मेरे भाई झुकना नहीं है रुकना नहीं है चलते रहना है चलिए तो चार घंटे के जबरदस्त मैराथन के बाद जो कि पिछले हमारे सैटरडे हुआ ठीक है आज एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो आप लोगों के सामने आई है और ये है टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेलगाड़ी के ऊपर आधारित प्रश्न बहुतों को लग रहा होगा कि कौन सा टॉपिक है इतना बड़ा कौन सा टॉपिक बता दिए टीएसडी का ही तो एक पार्ट है रेलगाड़ी को अलग से कौन पढ़ाता है और पढ़ता कौन है तो मेरे भाई देखो पढ़ाते भी हम हैं और पेपर में क्वेश्चन आता है इसीलिए पढ़ाते हैं बात यहाँ पर पढ़ाने की नहीं है बात यहाँ पर यह है कि ये जो रेलगाड़ी की जो एक वीडियो हमने बनाई है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जो ट्रेन का कंसेप्ट है वो हम आपको पूरा बताने वाले हैं ट्रेन में कई सारे कंसेप्ट होते हैं जब एक ट्रेन किसी पर्सन को जो है पार करता है जब वो स्टेशनरी हो तो या जब कोई ट्रेन किसी चले चलते हुए व्यक्ति को क्रॉस करे तो जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करे तो जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करे जो वो सामने से आ रही है तो जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करे जब वो उसी दिशा में जा रही है यानी कुल मिलाकर कई सारे टाइप्स होते हैं ठीक है हो ना हो बच्चा किसी एक ना एक टाइप में कन्फ्यूज हो ही जाता है ऐसा कभी नहीं हो पाता कि किसी बच्चे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अगर वो क्लियर है तो भाई मेरे भाई बहुत शानदार स्टूडेंट है बहुत अच्छा स्टूडेंट है सिलेक्शन भी मेरे भाई तय ही है यू समझ लीजिए तो जो हमारे बात करते हैं यहां पर टाइप्स को लेकर तो हमने इतने सारे टाइप्स इस वीडियो में कवर अप किए हैं और जो सबसे अच्छी बात बताऊं जो कंटेंट बनाने में समय लगा मैं अभी पर्सनली कंटेंट को देख रहा था ठीक है जिस स्ट्रक्चर में मैं चाह रहा था कंटेंट फाइनली उसी स्ट्रक्चर में बनकर आ गया थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में पीपीटी से दिखाएंगे ना तो आपको ज्यादा मजा आएगा आज की क्लास की चीजें देखिए जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ ट्रेन आपका ऐसे स्टार्ट होगा प्रॉपर तरीके से पूरा डेफिनेशन लेकर बताएंगे एक एक बातों को इंग्लिश और हिंदी में पूरी भाषा में आपका लिखा भी गया है सबसे पहला जो टाइप होता है वो ये होता है कि जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को प्रॉपर तरीके से क्रॉस करती है और इसीलिए पीपीटी में बाकायदा इमेज भी देखो दिखाया गया है कि हाँ एक ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस कर रही है उसमें इस्तेमाल हुए सभी फार्मूले को बाकायदा यहाँ लिखा गया है कि किस तरीके से कौन कौन सा फार्मूला

है मेरे और भी कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए क्रॉस करती है, तो है? तो डालास का जो अभी रिसेंट में एक महीना पहले पूछा गया आप यहां पर देख पा रहे होंगे ठीक है फिर कुछ क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क भी दिए क्योंकि हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिल गए तो हमने कहा चार हम करवा देंगे दो बच्चों को होमवर्क दे देंगे उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है इसी आधार पर फिर एक और कंसेप्ट हम आपको दिखाते हैं ऐसे वाइज हम सारे क्वेश्चंस को कि जब ट्रेन वन क्रॉस करती है ट्रेन टू को सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा प्रॉपर तरीके से एक एक बात है फिर उसके ऊपर आधारित प्रश्न ठीक है तो यहाँ पर ये यह सारे क्वेश्चन सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये यह जो आईसीएर के क्वेश्चन है ये काफ़ी बढ़िया सवाल है आपके ठीक है ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और लास्ट में मेरे भाई वाइंड अप किया जाएगा सेशन को यानी जितने इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं उन पूरे टाइप के ऊपर ढंग से रिसर्च करके ढंग से पीपीटी बना के ढंग से सवालों को एडजस्ट करके प्रॉपर तरीके से आपके सामने लाया गया एक और बात कल एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर आएगी ठीक है और वो मेरे भाई YouTube पर वीडियो कुछ स्पेशल कंटेंट आप लोगों को लेकर होगा कि जिसमें आप लोगों को मैं बहुत कुछ फ्री देने वाला हूँ पिछले कुछ समय से हमारे पास कुछ काम आप लोगों के लिए चल रहा था हमेशा से जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि जब भी आप लोगों का को कोई पेपर आता है तो कुछ ना कुछ एक मैं ऐसी पीडीएफ या सीरीज लॉन्च करता हूं जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है जैसे पिछली बार फार्मूला बुक की पीडीएफ रिलीज़ की थी उसके पिछली बार अगर हम बात करें तो मैथ्स 2.0 और मैथ्स ई बुक टू पॉइंट टो लॉन्च किया था उसके पहले मैथ्स ई बुक वन पॉइंट टो लॉन्च किया था तो कल भी हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो ख़तरनाक कुछ आप लोगों के लिए मिलने वाला है और ये उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा जो इस बार का सी जी एल सी एच एस एल और मेज़ देने वाले हैं ठीक है थीके? और सबसे अच्छी बात बताऊँ मेरे भाई यहाँ पर तो जो भी चीज़ लॉन्च होगी बाकायदा सॉल्यूशन के साथ होगी ताकि उसमें आपको बेनिफिट भी मिल सके और एक और बात बताऊँ तो फ्री भी रहेगा ठीक है तो बोलोगे सर सारी बातें तो बता ही दी छोड़ा क्या तो बहुत कुछ है जो हमने अभी छोड़ रखा है वो हम कल के सेशन में बताएंगे एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी जिसमें आप लोगों को सारी बातें पता चल जाएंगी और ये जो भी कंटेंट मिलेगा ना वो आपके इस बार के सीजल के लिए यू समझ लीजिए रामबान साबित होने वाला है पनैशर साबित होने वाला है ठीक है इस कंटेंट के ऊपर काफ़ी काम किया मैंने सॉल्यूशंस भी काफ़ी बनाए हमने खुद ही अपने हाथों से ताकि बच्चों को फ़ायदा हो सके ठीक है और बच्चों को जब ये जाए तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिले चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर जिन बच्चों ने अब तक जो है मैथ्स की ई बुक डाउनलोड नहीं की है वो मैथ्स की बुक डाउनलोड करके सभी लेटेस्ट क्वेश्चंस को लगाएं ठीक है इसके अलावा अगर कोई अपने यूट्यूब पर पढ़ाना भी चाहता है उसके पास कंटेंट की कमी है तो आराम से मैथ्स की ई बुक का स्क्रीन लेकर अपने यूट्यूब पर पढ़ा सकता है इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ज्ञान का सोर्स है हर जगह से बटना चाहिए बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए बस मेरे भाई मेरा हमेशा जो मोटिव है जो विजन है वो यही रहता है ठीक है साथ में आप सभी जो है मैं बोलूंगा कि फार्मूला बुक के हर एक पन्ने को हर एक लाइन को हर एक कंसेप्ट को जर्रे जर्रे से याद करके चले जाना ठीक है कोई एक भी कंसेप्ट अगर आपने फार्मूला बुक की छोड़ी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ध्यान रखना मेरे भाई ठीक है तो चलिए फार्मूला बुक अगर नहीं है तो पी डाउनलोड कर लीजिए अगर किताबों से पढ़ना है तो दुकान से या फिर फ्लिपकार्ट और अमेज़न से मंगा लीजिए जिस दिन से फार्मूला बुक लॉन्च हुई है एक वो दिन है और एक आज का दिन है कि आप लोगों की मेहरबानी से आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से कभी फार्मूला बुक नंबर वन से नंबर टू पर आया नहीं हमेशा नंबर वन पर जो है वो कायम रहा ठीक है तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहुत बहुत प्यार और आभार ठीक है जो भी आज तक एक प्यारी सी किताब हमने लॉन्च की कभी आप लोगों ने उसको नंबर टू पर नहीं आने दिया आज भी अगर सर्च करूं मैथ्स की ब्रह्मास्त्र की तो नंबर वन पर ही मिलती है ठीक है चलिए बहुत अच्छे मेरे भाई मार्केट की सभी किताबें दो दस ग्यारह बारह रैंक पे रहती है लेकिन फार्मूला बुक जो है वो हमेशा एस एग्ज़ाम्स में नंबर वन पे ट्रेंड करती है ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारी वीडियो की आज की और इस वीडियो में हम कंप्लीट टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंसेप्ट यानी ट्रेन को सीखने वाले हैं मेरे भाई आ जाइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रेन की ट्रेन के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं जनरली आपको पता है कि जो आपका फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस बराबर टाइम के, ठीक है यानी आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं बराबर होगा चाल इंटू समय के ठीक है चाल आपका कितना रहा समय आपका कितना रहा उसके बराबर अब इसमें क्या होता है ट्रेन वाले कंसेप्ट में कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है ठीक है ट्रेन का जो कंसेप्ट आया तो क्या होता है कि जब कोई अकेला व्यक्ति चल रहा है जैसे मानो कोई कार चल रही है ट्रेन चल रही है कोई पर्सन चल रहा है तो वो अकेला ही चल रहा है उसके साथ किसी को रिलेशन नहीं दिया जाता है लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को किसी से रिलेट किया जाए जब एक ट्रेन को एक व्यक्ति के साथ रिलेट कर दें आप एक ट्रेन को किसी दूसरे ट्रेन के साथ रिलेट कर दें तो यहाँ पर जब रिलेशन आता है ना तो वहाँ स्पीड बदलता है ठीक है जब एक गाड़ी की तुलना किसी दूसरे गाड़ी से की जाती है तो वहाँ रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है लेकिन एक गाड़ी मस्त अपने चाल में चल रही है तो भाई हम उसको क्यों रिलेट करेंगे किसी से किसी से भी नहीं रिलेट करेंगे ठीक है तो यहां पर क्या है जो ट्रेन वाला कंसेप्ट हो है मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट ठीक इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तो कोई भी दो वस्तु अगर एक ही दिशा में चल रही है तो उसका जो स्पीड होगा वो एस ए माइनस एस बी हो जाता है यानी स्पीड को घटा दिया जाता है ठीक है और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड लेते समय उनके स्पीड को क्या किया जाएगा जोड़ दिया जाएगा जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से मुंबई की तरफ निकल रहा हूँ दिल्ली से मुंबई और कोई गाड़ी मुंबई से दिल्ली की तरफ आ रही है तो इनके रिलेटिव स्पीड निकालते वक्त दोनों को जोड़ दिया जाएगा लेकिन अगर दो गाड़ियां हैं और दोनों के दोनों जो हैं दिल्ली से ही निकलती हैं तो रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो दोनों का क्या होगा डिफरेंस ही होगा ठीक है तो सेम डायरेक्शन में माइनस किया जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस किया जाता है टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है एक पॉइंट यहाँ बड़ी खूबसूरत की बात लिखी गई है वो लिखा गया कि जनरली लेंथ ऑफ द ट्रेन इज गिवन इन ठीक है एंड स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर सो ऑलवेज फोकस ऑन द यूनिट्स ठीक है यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो यूनिट पर फोकस करना होता है कि लेंथ जो है वो मीटर में दिया होता है हमेशा सवालों में ट्रेन का और स्पीड जो होता है वो किलोमीटर पर आवर में होता है तो बच्चे निकालते वक्त बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं तो इस बात पर स्पेशल आपको फोकस करना है कि जो ये स्पीड होता है ना इसको मीटर पर सेकेंड में बदलें ताकि आपके आंसर गलत ना आए ठीक है थीके? कोई भी ऐसा सवाल नहीं होता कि ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में दी होगी प्रैक्टिकली इंपॉसिबल सा हो जाता है कि ट्रेन किलोमीटर की लंबाई में हो लेकिन स्पीड को हमेशा एग्जामिनर जान के किलोमीटर पर आवर देता है ताकि थोड़ी आपसे कैलकुलेशन करवा सके तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर 1 के बारे में टाइप नंबर 1 क्या है ठीक है तो टाइप नंबर वन हमारा यहां पर यह है कि वेन अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन ठीक है और वो मैन कैसा हो स्टेशनरी हो या फिर इट क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ टू किलोमीटर पर आवर और इट क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ टेन किलोमीटर पर आवर मतलब या तो वो व्यक्ति रुका हुआ हो या वो व्यक्ति चल रहा हो तो उस केस में क्या क्या संभावना बनती है फॉर्मूला हमारा कैसे बनता है क्या लिखते हैं एक गोल्डन कंसेप्ट हम आपको बताएंगे आपने अभी पढ़ा ना और आपने क्या पढ़ा मेरे भाई यहां पर बस छोटी सी बात बोलूंगा ज्यादा नहीं कि आपने पढ़ा टाइम बराबर क्या हो जाता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड पूरे रिलेटिव स्पीड में मात्र ये एक मिनट में जो बात बताऊंगा ना पूरा रिलेटिव स्पीड पूरा ट्रेन उसी के ऊपर है पूरे ट्रेन के कंसेप्ट में पूरे रिलेटिव के कंसेप्ट में इस फॉर्मूले में बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो वस्तु जिस वस्तु को क्रॉस कर रही है ठीक है जो वस्तु जिस भी वस्तु को क्रॉस कर रही है क्या उसके पास स्पीड है और क्या उसके पास लंबाई है अगर एक ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस करती है तो पर्सन के पास कोई भी को लंबाई नहीं होती इसीलिए लंबाई के जगह पर सिर्फ जो है ट्रेन की लंबाई लेंगे और स्पीड में अगर दोनों के पास है तो दोनों का स्पीड लेंगे किसी के पास नहीं है तो किसी का भी नहीं लेंगे मतलब सिर्फ ट्रेन का है तो ट्रेन का लेंगे ऐसे करके आप जितने भी केसेस पढ़ते चलेंगे उन सभी केसेस पर एक बात फोकस करना है कि डिस्टेंस किसके पास है और स्पीड किसके पास है बस आपको इससे ज्यादा फोकस नहीं करना है तो इसीलिए केस नंबर वन आता है अब केस नंबर वन में दो बातें सामने आ जाती हैं। पहली बात यहां पर ये यह आ जाती है कि जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करे और वो पर्सन रुका हुआ हो तो जैसे मान लीजिए कि जब वो मैन को क्रॉस कर रहा है यानी स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी कितनी है x है और स्पीड ऑफ मैन हमारी कितनी है मेरे भाई ज़ीरो है और लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा है मानो l, तो उस केस में टाइम हमारा क्या होगा तो बोलेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाता है स्पीड हो जाता है समझ गए डिस्टेंस हम कितना लेंगे तो डिस्टेंस हम मेरे भाई लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे यानी एल ले लेंगे और स्पीड में किसके पास स्पीड है स्पीड में मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो है वो ट्रेन के पास स्पीड है तो यहाँ पर हम ले लेंगे ट्रेन का स्पीड इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखेंगे तो डिस्टेंस में हम लेंथ ले लेंगे ट्रेन का और स्पीड में हम सिर्फ स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेंगे मेरे भाई बस और कुछ काम हम नहीं करेंगे हम इतना ही करेंगे ठीक लेकिन वहीं पर वहीं पर मेरे भाई जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्रॉपर तरीके से कि जब कोई ट्रेन जो है किसी मैन को क्रॉस कर रही है बढ़िया तरीके से ठीक है आप ऐसे समझ लीजिए मैन इस दिशा में जा रहा है ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन की अपनी एक लंबाई है चाल है ट्रेन की अपनी एक गति है और मैन का भी अपना जो है यहाँ पर स्पीड है लेकिन मैन की कोई लंबाई है नहीं उस देर में या उस समय में हमारा जो ट्रेन है वो मैन को कितने देर में क्रॉस करेगा तो बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन होता है स्पीड मैंने बस आपसे एक बात बोला कि फोकस रखना है यहाँ पर कि डिस्टेंस किसके पास है अब आप मुझे बताओ ट्रेन के पास डिस्टेंस है और मैन के पास डिस्टेंस है किसके पास है बोलोगे सर बस ट्रेन के पास लंबाई है इसके पास तो कुछ लंबाई है ही नहीं यानी यहाँ पर हम

उस केस में जब कोई मैन मूव कर रहा है अब ये मूव कर रहा है तो इसकी अपनी इच्छा है ये चाहे तो ट्रेन के आगे सुसाइड करने चला जाए या मेरे भाई ये ट्रेन को देख के हो सकता है भागने भी हो ठीक है जैसे मानो यहाँ से ट्रेन आ रही है और यहाँ पर ये देखा एकदम शोर कर रहा है भाई साहब क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया तो ये इधर उल्टा की तरफ भागना शुरू हो गया अब ये जब भागना शुरू हो गया तो ट्रेन की अपनी एक लंबाई है ट्रेन की अपनी एक चाल है इसकी भी मेरे भाई अपनी एक चाल है तो उस केस में ट्रेन इसको कितने देर में टक्कर मार देगी ये पूछा जाता है कितने देर में इनका मिलन हो जाएगा ठीक है तो उस देर में हमारा मिलन जो बात करते हैं टाइम जो हम बात करते हैं तो टाइम हमारा कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है यानी आपको बस फोकस करना है।, है रटना कुछ भी नहीं है बस समझना है आप मुझे बताओ डिस्टेंस इसके पास है किसके पास है तो बोलोगे सिर्फ सिर्फ ट्रेन के पास डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में हम क्या ले लेंगे लेंथ ऑफ तो ट्रेन ले लेंगे और स्पीड हमारा किसके पास है स्पीड हमारा दोनों के पास है दोनों की दिशा क्या है अपोजिट है कि सेम है तो बोलेंगे सर दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं और अगर एक ही दिशा में भाग रहे हैं मेरे भाई तो यहाँ पर उनके स्पीड को हम माइनस करेंगे यानी बोलेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन ये हमारा कंसेप्ट हो जाएगा समझ गए मेरी बातों को लेकर तो यहाँ पर हमने आपके सामने कुल मिलाकर तीन केसेस डिस्कस किए पहला केस हमने ये डिस्कस किया कि अगर ये कोई ट्रेन है उसके पास अपनी स्पीड है और ये कोई रुके हुए व्यक्ति को आराम से जो है जो यहाँ पर एक जगह पर खड़ा है मेरे भाई जिसकी अपनी स्पीड ऑफ मैन जो है वो जीरो है कोई स्पीड नहीं है तो अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करे जिसके पास कोई भी स्पीड नहीं है तो डिस्टेंस में सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस लेंगे स्पीड में सिर्फ ट्रेन का लेंगे इसके पास ना डिस्टेंस है ना स्पीड है कुछ भी नहीं लेंगे ठीक है जब वो एक मैन को क्रॉस करती है और मैन को क्रॉस करती है ट्रेन और उसके पास स्पीड है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड को जोड़ देंगे और विपरीत दिशा में जा रहा है या समझ ली ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस कर देंगे अब यही बात आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी में लिखी गई है बढ़िया तरीके से जब हम आपको पीडीएफ देंगे टेलीग्राम पर तो आराम से टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके आप इस एक बात को यहां पर प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं ठीक है चलिए तो इसी के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं एक टाइप हम पढ़ेंगे फिर उसके ऊपर क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन ठीक है तो यहां बोला क्या गया है कहा गया द टाइम टेकन बाय 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्यक्ति खड़ा है मेरे भाई प्लेटफॉर्म पे ठीक है तो यहां पर क्या है कि चौवन किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक सौ अस्सी मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय मैंने क्या कहा था ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में होगा और उसकी जो स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर में होगी तो ट्रेन किसको पार कर रही है एक रुके हुए व्यक्ति को पार कर रही है तो उस केस में हमसे पूछा गया समय तो हमने कहा टाइम बराबर क्या होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है यहां पर जो ट्रेन पार कर रही है वो किसको पार कर रही है एक पर्सन को क्या वो पर्सन चल रहा है या रुका हुआ है तो आप सर रुका हुआ है ठीक है अब बात करते हैं डिस्टेंस में मेरे भाई यहां पर बताओ ट्रेन के पास लंबाई है पर्सन के पास लंबाई है किसके पास लंबाई है तो बोलोगे सर सिर्फ ट्रेन के पास है तो डिस्टेंस में हम लेंथ ऑफ ट्रेन ले लेंगे और स्पीड की बात अगर हम करते हैं तो स्पीड हमारा किसके पास है ट्रेन के पास है कि यहाँ पर पर्सन के पास है या दोनों के पास है तो बोलोगे सर सिर्फ ट्रेन के पास है तो यहाँ पर जो है स्पीड में स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेंगे दोस्त ठीक है तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी है तो ट्रेन की लंबाई हमारी एक है और यहाँ स्पीड हमारी कितनी है तो चौवन किलोमीटर प्रति घंटा है ये हमारा मीटर में है और ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है तो यहाँ पर क्या करना है इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है और जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला जाता है ना दोस्त तो उस केस में यहाँ पर क्या करते हैं उस केस में यहाँ पर इसको पांच बटे 18 से आप क्या करेंगे गुना कर देंगे अब ऑलरेडी एक बट्टा है उसके नीचे बट्टा आ गया ये रहेगा नहीं इसको एकदम रिएक्शन हो जाएगा इसके साथ ये कहाँ चला जाएगा ऊपर यानी इस पाँच बटे अठारह का पाँच नीचे रहेगा अठारह कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा भाई अठारह से अगर आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा तीन बार में पाँच इंटू तीन पंद्रह अगर हम पंद्रह से इसे काटे तो पंद्रह से एक बार में पंद्रह तीस हो जाएगा पंद्रह का दो बार में यानी कितना आ गया बारह सेकेंड ऑप्शन नंबर बी फॉर ठीक है क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से बहुत शानदार बी फॉर ब्रिक्विट्स बहुत शानदार ठीक है बी फॉर बॉस्ट्रस बहुत अच्छे तो समझ गए आप मेरी बातों को मेरे कंसेप्ट को समझे आपके हम क्या कहना चाह रहे थे अब आ जाइए दूसरा वाला क्वेश्चन हम लगाते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहा है उसी तरीके से एक और प्यारा सा सवाल कि तिरसठ किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को चौबीस सेकंड में पार करती है ट्रेन की लंबाई बताइए मेरे भाई अगर एक व्यक्ति खड़ा है ना कहीं पर भी तो वो एक खंबे के समान ही है तो अगर वहां पर हम मैन शब्द को हटाकर खंबा जोड़ दे तो उससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है अब यार मैं ऐसे रुका हूं आंखें बंद कर लू तो मैं भी खंबा ही हूं यू समझ लो ठीक है तो अगर कोई पर्सन रुका हुआ है या अगर कोई खंबा है तो दोनों केस सेम ही है इसमें ज्यादा लोड लेना है नहीं कंसेप्ट हमारा सेम ही लगना है तो आप बोलेंगे सर टाइम पूछा गया तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप मुझे बताओ यहां डिस्टेंस किसके पास है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के पास है तो डिस्टेंस के जगह पर क्या लेंगे ट्रेन स्पीड किसके पास है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ट्रेन के पास है खंबे के पास का है बात का स्पीड जीरो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं लेंथ हमारी कितनी है तो बोलेंगे सर लेंथ ही तो हमसे पूछा गया है तो ठीक है बहुत शानदार टाइम कितना दिया गया है तो टाइम हमारा जो है वो 24 सेकंड दिया गया है लेंथ के बारे में चर्चा है और स्पीड हमारा कितना है तो बोलेंगे 63 किलोमीटर पर आवर अब यार ये 63 किलोमीटर पर आवर है ना मीटर पर सेकंड चाहिए अपने को तो तो इसको बदलेगा कौन मीटर पर सेकंड में हम लोग इसको पांच बटे अठारह से गुना करेंगे पांच यही रहेगा इसका अठारह कहाँ चला जाएगा ऊपर ठीक है उसके बाद यहां पर देखते चलो ठीक है सात से काटोगे कितनी बार में कटेगा या नौ से काटोगे तो नौ से सात बार में नौ से काटोगे तो दो बार में ठीक दो से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा बारह बार में कुल मिलाकर बातें ऐसी हो जाएंगी बारह का पांच गुना साठ सात इंटू सात हो जाएगा तुम्हारा चार सौ बीस यानी लेंथ हो जाएगा कितना चार सौ बीस चार सौ बीस ही हो जाएगा भाई साहब ठीक है ऑप्शन नंबर डी समझ गए तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा एक बच्चा कहता है सर यूट्यूब पर थ्योरी करवा दो मेरे भाई एक बात बताइए आप बहुत अच्छे और सज्जन इंसान आप हमें लग रहे हैं हम आप कोई छोटी सी बात बोल रहे हैं आपको पता है एक बात हम कभी भी YouTube पर यह सोच के नहीं कराते हैं ना कोई भी टॉपिक की अरे हमको तो पेड बैच में करवाना है ठीक है तो हम यहां पर जो है YouTube पर इतना डिटेल में क्यों पढ़ाएं मेरा कोशिश यही होता है कि जब भी अगर हम कोई वीडियो लेकर आ रहे हैं तो उस वीडियो के माध्यम से हम बच्चे को कम्प्लीट डिटेल दे पाएं प्री से लेकर मेन्स लेवल तक के सारे क्वेश्चन लगवाएं ताकि यहां पर उस बच्चे को अपने अंदर कॉन्फिडेंट आए कि भाई आज तो ये टॉपिक सीख लिया आज के बाद इससे क्वेश्चन आएगा तो छोड़ूंगा नहीं मेरा दावा है ये बात का कि आज की वीडियो के बाद आप कभी भी ट्रेन के सवाल तो गलत नहीं करोगे अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो ये मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को। बस वीडियो को देखते रहो शुरू से लेकर पर कोई परेशानी नहीं आएगी इट्स माई प्रॉमिस्ड टू यू ठीक है थोड़ा सा लेवल का। मैंने कहा ना कि टाइप वाइज भी मिलेगा और लेवल वाइज भी मिलेगा निश्चिंत रहिए अड़तालीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है ठीक है और विपरीत दिशा में चल रही महिला को 12 सेकंड में पार करती है महिला की चाल क्या होगी हमने आपसे क्या कहा कि हम आपको आसान लेवल के भी क्वेश्चंस करवाएंगे मेंस लेवल के भी करवाएंगे आप निश्चिंत रहिए बस ठीक है अब ये सवाल को अगर मैं बोलूं कि मैं दो सेकंड में सॉल्व कर दूं तो कैसा लगेगा आपको बताइए बोलेंगे इसे कैसे सर कर देंगे मेरे भाई आप सीखिए आप भी कर देंगे आज के बाद बट पहले आपको कंसेप्ट सिखाना है हमें ठीक है बाकी चीजें बात की बात है सीखते रहेंगे अपन आराम से कोई दिक्कत नहीं है बट पहले आप कंसेप्ट सीखिए पहला केस यहाँ पर क्या था तो बोलेंगे सर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी को उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते व्यक्ति को इतने सेकंड में पार करती है मान लो कल के दिन सिर्फ और सिर्फ सवाल आपका इतना ही आता है और इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि एक ट्रेन है उसकी कुछ लंबाई है उसकी चाल इतनी है ठीक है सामने से एक व्यक्ति आ रहा है सॉरी उसी दिशा में एक व्यक्ति इतने के रफ्तार से जा रहा है ट्रेन ने उस व्यक्ति को जो है 18 सेकंड में लपेट दिया तो बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी होगी सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने आपसे क्या कहा दो टाइप होते हैं पहला टाइप हमारा क्या होता है जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है और दूसरा टाइप मेरे भाई क्या होता है कि जब कोई ट्रेन प्रॉपर तरीके से दोस्त यहाँ पर जो है ठीक है किसी व्यक्ति को पार करती है और वो व्यक्ति चल रहा है तो यहाँ पर सिर्फ ये देखिए ये आपका क्या है तो ये आपका केस वन है मैं यहाँ बाकायदा लिख भी दे रहा हूँ क्या है केस वन है इस केस में एक ट्रेन ने पार किया है एक ट्रेन ने किसको पार किया एक पर्सन को पार किया है और जिस दिशा में ट्रेन जा रही है ना जैसे मानो यहाँ पर अगर ट्रेन है तो यहां एक पर्सन था इस ट्रेन ने इस पर्सन को पार कर दिया ठीक है तो रिलेटिव स्पीड लगेगा आपका तो आप बोलेंगे सर केस वन में हमारा क्या हुआ मैं पूरा एकदम बेसिक से समझा रहा हूं फिर मैं बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा केस वन में हमारा क्या हुआ यहाँ पे तो केस वन में बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है रटना मत मेरे भाई कभी भी किसी भी चीज को आप बस समझना है यहां पे आप मुझे यहाँ पर यह बताओ ट्रेन ने कितने देर में पार किया है तो ट्रेन ने जो है यहाँ पर 18 सेकंड में पार किया तो टाइम 18 लेंगे डिस्टेंस की बात करते हैं किसके पास डिस्टेंस है ये जो व्यक्ति है ना यह प्राणी है इसके पास कोई लंबाई नहीं है ठीक है लंबाई असली में किसके पास है ट्रेन के पास तो इन दोनों में डिस्टेंस आप किसका लेंगे तो आप यहां पर जो है ट्रेन की लंबाई लेंगे यानी डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे अब स्पीड की बात करते हैं ये भी आपको भाग रहा है ट्रेन भी आपको भाग रहा है तो दोनों के पास स्पीड है। अब स्पीड है है अब तो चलो ठीक है क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं? सेम में जा रहे हैं तो बोलोगे सर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को क्या किया जाता है माइनस तो मुझे बताइए यहाँ पर ट्रेन की रफ्तार फोर्टी की है पर्सन की रफ्तार 12 की है तो 48 एट माइनस बारह हमारा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर 48 एट माइनस बारह छत्तीस हो जाएगा अब ये बताओ कि स्पीड को जो है मीटर पर सेकंड में हमारे फूफा बदलेंगे हम ही बदलेंगे जाहिर सी बात है क्योंकि हमारा टाइम सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है कैसे करेंगे इसको बताओ यहाँ पर तो बोलोगे पाँच बटे से गुना बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में कन्वर्ट होती है तो पाँच बटे से गुना होता है अठारह से कितनी बार में काटोगे दो बार में पांच इंटू दो दस दस इंटू अठारह कितना हो जाएगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपका आ जाएगा एक सौ अस्सी तो मेरे भाई पहले तो आपने निकाल लिया लेंथ ऑफ ट्रेन और जनरली प्री में क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जाता है ट्रेन की लंबाई बताइए तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई एक <coughs> आ चुकी है ठीक है अब यह लंबी ट्रेन है और अब ये लंबी ट्रेन की इच्छा है कि अब ये यहाँ पर जो है किसको उड़ाना चाहती है एक महिला को और विपरीत दिशा में चलती हुई महिला को 12 सेकंड में पार करती है ट्रेन ऐसे आ रही है और विपरीत दिशा में महिला आ रही है ट्रेन ने यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से ये जो ट्रेन है इसने इस महिला को कितने सेकंड में पार कर लिया बारह सेकंड में तो महिला की चाल ज्ञात करिए हमने कहा रटिए कुछ भी मत बस समझिए हमेशा जब भी कोई ट्रेन किसी पुरुष को पार करे महिला को पार करे कुछ भी को पार करे आपको सीधा एक ही बात लिखना है भैया टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसके अलावा हमको कुछ नहीं आता अब मुझे बताइए ट्रेन ने उस महिला को कितने सेकंड में पार किया बारह तो समय के जगह पर आप बारह लिख देंगे डिस्टेंस की बात करते हैं आप मुझे खुद बताइए किसके पास डिस्टेंस है ट्रेन के पास लंबाई है कि महिला के पास लंबाई है कि दोनों के पास है तो बोलेंगे सर ट्रेन के पास लंबाई है यानी डिस्टेंस के जगह पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन लिखा जाएगा स्पीड किसके पास है दोनों के पास है ठीक है और वो जो स्पीड है वो स्पीड में आप बात करो तो दोनों पर्सन जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट में आ रहे हैं क्योंकि सेम में जाते हैं तो स्पीड को घटाया जाता है ठीक है और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड को जोड़ा जाता है तो बोलेंगे सर दोनों के दोनों विपरीत में जा रहे हैं तो यानी इनके स्पीड को जोड़ दिया जाएगा ट्रेन की रफ्तार 48 की है और मेरे भाई महिला की चाल नहीं पता है तो हमने कहा ट्रेन की रफ्तार 48 की है और महिला की चाल एक्स की है अब यहां भी बहुत बच्चे कन्फ्यूज आ जाते हैं वो पता है क्या करते हैं ज्यादा होशियार होते हैं कुछ बच्चे क्यों ज्यादा होशियार होते हैं वो पहले ही यहां पर 48 को क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में बदल देंगे किसने कहा था ऐसा होता है कि किलोमीटर पर आवर वाले को मीटर पर सेकेंड के साथ जोड़ा जाए नहीं ना ये किलोमीटर में है ये एक्स जो माना है ना आपने ये भी किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर प्लस किलोमीटर यानी किलोमीटर पर आवर में पूरी स्पीड आ गई, अब इस पूरी स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलने की जिम्मेदारी हमारे फुफा की है यानी पांच बटे अठारह से गुना किया जाता है ना तो पांच यहां रखेंगे और अठारह को कहां भेज देंगे अठारह को हमारे ऊपर भेज देंगे मेरे भाई ठीक है अब यहां पर देखते चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है जो डेटा दिया गया उसको आप यहां पर उठाइए और आप यहाँ रख दीजिए ठीक है जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ छह से दो बार में जाएगा छ से तीन बार में जाएगा यहां पर यह काटने की जरूरत नहीं है अभी ऐसे ही रहने दो तो फिर एक ही साथ लपेट के सारा काटेंगे बारह बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई है तो एक सौ अस्सी आ गई है इंटू कितना हो गया तो अठारह हो गया भाई डिवाइडेड बाई यहाँ पर फोर्टी एट और इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों इंटू हमारा हो जाएगा पांच लीजिए आप काट लीजिए केस वन आपका खत्म हो गया ये केस टू आपका था ठीक है अब आप यहाँ पर जब कटिंग करेंगे तो बोलेंगे सर 12 से ये कितनी बार में जाएगा 15 बार में जाएगा सर कितनी बार में जाएगा 12 15 एक सौ अस्सी होता है 5 से कितनी बार में जाएगा तीन बार में 18 इंटू तीन कितना हो जाएगा चौवन तो बोलेंगे 48 एट प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा चौवन तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी चौवन माइनस अड़तालीस यानी छः आ जाएगा तो महिला की रफ्तार कितनी हो जाएगी जा 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 जा? दोस्त महिला की रफ्तार जो है वो हमारी छ हो जाएगी महिला की रफ्तार हमारी कितनी हो जाएगी दोस्त छः हो जाएगी और सी से एक बहुत ही प्यारा शब्द होता है वो होता है शिवालरी ठीक है मतलब बता दीजिए जल्दी से अगर आपको पता है शिवालरी का मतलब क्या होता है तो ठीक है हाँ शी से एक और शब्द भी होता है मेरे भाई क्योस होता है क्योस का मतलब होता है अस्त व्यस्त एकदम बढ़िया ठीक है क्योस मचा रखा है तबाही कर रखी है ठीक है चलिए क्वेस भी होता है ठीक है तो समझ गए मेरी बातों को यहां पर तो कितने प्यारे तरीके से हमने समझा यहां पर कि पहले उस ट्रेन ने पर्सन को पार किया तो उसका यहां पर लेंथ निकाल लिया फिर उसी ट्रेन ने एक महिला को पार की तो वहां पर हमने उस महिला की रफ्तार निकाल ली अब जरा सोचिए कि इस सवाल को और कम समय में किया जाए कुछ सेकेंडों में किया जाए तो क्या ये बात संभव है मेरे भाई बताइए क्या इस सवाल को और शॉर्ट में किया जा सकता है सोचिए हो सकता है ठीक है मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलरली शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ ठीक है मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं जिससे आप लोग काफी बेनिफिट हो जाएगा आप निश्चिंत रहें और परेशान रहित रहें ठीक है ठीक है अब यहां पर आप एक चीज को देखिएगा जरा प्रॉपर तरीके से ठीक तो आप यहां पर एक चीज पाएंगे और वो क्या पाएंगे वो हम आपको बता देते हैं इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो इस सवाल में अगर आप चाहते हैं ना तो आप डायरेक्ट रेशियो का इस्तेमाल करके इस सवाल को बना सकते थे लेंथ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती ठीक है क्योंकि दोनों जगह पर जो लेंथ ऑफ ट्रेन है ना मेरे भाई वो लेंथ ऑफ ट्रेन आपका सेम है तो अगर आपका लेंथ ऑफ ट्रेन सेम है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है यानी हम यहां पर प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं मेरे भाई कि दोनों का जो है ना देखो डिस्टेंस इंटू ये हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी तो दोनों का जो स्पीड का रेशियो आएगा वो टाइम का उल्टा आ जाएगा यानी थोड़ा सा कम रिलेट कर पा रहे होंगे तो हम थोड़ा ऐसे बताते हैं कि सेकेंडों में इस सवाल को कैसे किया जाता है आप यहाँ पर बस ये देखिए समझिएगा मेरी बात को कि जब ट्रेन ने ठीक है जब ट्रेन ने मैन को पार किया तो उसको कितना सेकंड लगा तो यहाँ पर 18 सेकंड और ट्रेन ने जब वुमेन को पार किया तो कितना सेकंड लगा 12 सेकंड तो अगर हम बात करते हैं यानी जब ट्रेन प्लस मैन था और यहाँ पर जब ट्रेन प्लस वुमेन था तो हमारा टाइम का रेशियो मेरे भाई कितना था तो यहाँ पर जब ट्रेन ने मैन को पार किया तो 18 सेकंड लगा और ट्रेन ने जब वुमेन को पार किया तो 12 सेकंड लगा यानी अगर हम यहाँ रेशियो लेंगे तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा तीन अनुपात दो अगर टाइम का रेशियो तीन अनुपात दो आ जाएगा तो स्पीड का रेशियो मेरे भाई दो अनुपात कितना आ जाएगा दो अनुपात तीन आ जाएगा आप इस बात से वाकिफ हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है और वो डिस्टेंस क्या है तो वो डिस्टेंस हमारी ट्रेन की लंबाई है ठीक है ट्रेन की जो लंबाई है वो फिक्स है दोनों केस में बदल नहीं रही है वहीं ट्रेन ने वैन को भी क्रॉस किया है और वहीं ट्रेन ने वुमेन को भी क्रॉस किया है यानी वो डिस्टेंस कांस्टेंट है अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारा टाइम का रेशियो जो कि तीन और दो के अनुपात में है उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा स्पीड का रेशियो आ जाएगा यहां पर जो हमारी स्पीड थी ना ये हमारी जो स्पीड थी ये दोनों सेम डायरेक्शन सॉरी सेम डायरेक्शन में आ रहे थे तो सेम डायरेक्शन में आ रहे थे तो स्पीड को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे तो बोलोगे माइनस करेंगे यानी अड़तालीस माइनस

टाइम का रेशियो तीन अनुपात दो था तो स्पीड का रेशियो दो अनुपात तीन हो गया इस दो की वैल्यू हमारे यहां कितना दिया था तो फोर्टी एट माइनस ट्वेल्व बोलोगे माइनस क्यों किया सेम डायरेक्शन में तो माइनस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे माइनस ही करेंगे अड़तालीस माइनस बारह यानी छत्तीस दो का मान छत्तीस एक का मान अठारह तीन का मान कितना हो जाएगा चौवन अब ये जो चौवन आया है ये कैसा है? स्पीड है तो इस चौवन में मेरे भाई 48 जो है वो ट्रेन का स्पीड है x जो है वो वुमेन का स्पीड है और ये बराबर हो गया किसके 54 के तो x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी आप ऐसे भी दे सकते हैं आंसर ये भी एक तरीका आपका हो सकता है ठीक है समझ गए मेरी बातों को तो ये काफी जेनविन तरीका है सवाल को सॉल्व करने का पहले हमने आपको कंसेप्ट सिखाया जो एक कंसेप्ट होता है जिसके माध्यम से आप जाते हैं सवाल बनाते हैं वो ये कंसेप्ट है और उसके बाद आप यहां पर इस तरीके से भी बना सकते हैं इस तरीके में आपको ट्रेन की लंबाई निकालने की दूर दूर तक कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि ट्रेन की लेंथ कॉन्स्टेंट है यार कॉन्स्टेंट है तो उसकी आवश्यकता क्या है कोई आवश्यकता नहीं है ठीक है आ जाओ चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब यहां पर कि चलो ट्रेन ने मैन को क्रॉस कर लिया अब वो मैन चल रहा था तब भी क्रॉस किया है और वो रुका हुआ था तब भी क्रॉस किया है मैन जब सेम डायरेक्शन में था तब भी क्रॉस किया है अपोजिट में था तब भी क्रॉस किया है अब उसके ऊपर लेवल की बातें आते हैं उसके ऊपर लेवल की बातों को हम समझते हैं ठीक है चलिए यहां पर देखिए बेसिक पॉइंट हेल्प इन सॉल्विंग द क्वेश्चन डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन व्हेन द ट्रेन एन ऑब्जेक्ट कल के दिन मानो ये हमारी जो है छुक छुक रेलगाड़ी है इसे समझ लीजिए ठीक है यह आपकी ट्रेन है और ये ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे कल के दिन ठीक है तो जब हमारी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो पहले ऐसे समझो यहां पर कि प्लेटफॉर्म यहां से लेकर यहां तक है और ट्रेन हमारा यहां से लेकर यहां तक है ठीक है ट्रेन का इंजन पे हमेशा फोकस किया करो उसके इंजन पे यहां पे ठीक है तभी समझ पाओगे कि ऑब्जेक्ट उसने कितना क्रॉस किया कैसे क्रॉस किया है अब इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया मेरे भाई तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मानो ये ट्रेन यहां है और ये पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म है तो जब ये ट्रेन क्रॉस करती है तो इंजन पर फोकस होता है और जब वो क्रॉस कर चुकी होती है तो बैक में फोकस होता है यानी वास्तविकता में जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन दोनों को क्रॉस करती है अगर आसान भाषा में आप समझे मेरे भाई ठीक है यहाँ पर ठीक <laughs> है आसान भाषा में अगर आप समझे तो मैं आपको और चीजें बताता हूँ जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता हमेशा टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है अब मान लीजिए किसी ट्रेन को क्रॉस करना है और किसको करना है कोई प्लेटफॉर्म को तो मैं हमेशा बोलूंगा डिस्टेंस जरा बताओ किसके पास होगा बोलोगे सर प्लेटफॉर्म लंबी होती है सौ मीटर दो मीटर इतना लंबा तो प्लेटफॉर्म होता ही होता है यानी पर जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन के पास भी लंबाई होगा प्लेटफॉर्म के पास भी लंबाई होगा तो डिस्टेंस में हम क्या करते हैं डिस्टेंस में हम दोनों को लेते हैं लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ ट्रेन लेते हैं और बात करते हैं स्पीड की तो मेरे भाई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है किसी एक तरीके से पुलिया को क्रॉस कर रही है कहीं पर भी तो क्या बताओ यार ये यारिज भागरा होगा स्पीड होगी इसके पास बेचारा रुका हुआ होगा ना चुपचाप शांति से ठीक है यानी स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगी ट्रेन के पास तो यहां पर हम क्या लिखते हैं एस लिख देते हैं ये हमारा हो जाता है हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से प्रभु हाथ जोड़ के रटिएगा मत समझिएगा बातों को लेकर कि आदित्य सर क्या सिखाए थे बस इतना ही कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई ट्रेन किसी को भी पार कर रही है तो बस ये देख लो कि डिस्टेंस किसके पास है और स्पीड किसके पास है ठीक है सेम डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस <coughs> सॉरी <coughs> और अपोजिट में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब उसी के आधार पर सीजल मेंस 8 अगर 2022 सबसे दो महीना पहले पूछा गया सवाल। क्या है सवाल देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर की है तथा वह बेहतर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी हमने आपसे क्या कहा ट्रेन किसको पार कर रही है प्लेटफॉर्म को तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा उसने पूछा है हमसे कि समय कितना लगेगा ठीक है डिस्टेंस अब मुझे बताओ ट्रेन अगर किसी पर्सन को क्रॉस करती तो हमारे पास डिस्टेंस के नाम पर सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती लेकिन आज एक ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है यानी डिस्टेंस ट्रेन के पास भी है और डिस्टेंस प्लेटफॉर्म के पास भी है यानी बात करेंगे तो डिस्टेंस में हम दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे यानी ये तीन और सात

किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुना किया जाता है पांच बटे से. तो करो ना गुना फिर ठीक है है से काटोगे कितनी बार में जाएगा? 4 बार में में जाएगा होता है. लिख लो यहां पर मेरे भाई लोग एक हजार कितना है एक हजार चालीस है और भाग किससे करना है बीस से पहले लपेट देते तो बोलते कैसे कर दिए इसीलिए हम बाद में यहाँ साइड में लाके काटे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा बावन सेकंड इतना ही भर का आपका ये मेस का क्वेश्चन था ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ए फॉर एथिस्ट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर समझ गए और एथिस्ट का मतलब क्या होता है एथिस्ट का मतलब वो होता है जो किसी भी भगवान को नहीं मानता है, ये जो शब्द होता है ना ये भगवान से संबंधित होता है नास्तिक जिसको कहते हैं ना ठीक है हिंदी में नास्तिक बोलते हो तो आज से उसको इंग्लिश में बोलना यू आर एन एथिस्ट पर्सन मैन यू डोंट फॉलो ठीक है एनी रिलीजन आप <laughs> किसी भी तरीके से किसी को भी फॉलो नहीं करते डुमराव टी वी सर हमारे कह रहे हैं <laughs> मिसिंग यू सर भाई साहब जल्दी आ रहे हैं क्लास खत्म करके परेशान मत होइए ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर उसी तरीके से एक और सीजल का प्री का क्वेश्चन है होमवर्क है ये आपके लिए आप यहाँ पर इस सवाल को कर सकते हैं बाकी बहुत आसान और टुच्छे लेवल का क्वेश्चन है ठीक है तो ये सवाल हम आपको होमवर्क दे रहे हैं जब कोई ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करती है स्पीड पूछा जा रहा है बता देंगे भाई चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां बात करते हैं अगला सवाल हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है ठीक है कि अ ट्रेन क्रॉसेज अ फोर हंड्रेड मीटर लॉन्ग लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन फिफ्टी सेकेंड इट क्रॉसेज अनदर सिक्स हंड्रेड मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन सिक्सटी सेकेंड वट आर द लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन फिर से वही हम आपको दो तरीका बताएंगे एक हम आपको वो तरीका बताएंगे जिसके से आप इस सवाल को चार सौ तो आप मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को पचास सेकंड में और एक अन्य छह मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को साठ सेकंड में पार करती है अगर आप मान लीजिए कि बेसिक से ये सवाल को करते प्रॉपर तरीके से मैं पहले ही लिख दे रहा हूं बेसिक ठीक है पर तो बेसिक से करते तो आप क्या बोलते सर दो केस यहाँ पर ये हमारा केस नंबर वन है C1 हम इसे बोलते हैं और ये हमारा केस नंबर टू है ठीक है एक रेलगाड़ी पहले 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है हमारा केस नंबर वन है तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो हम क्या बोलेंगे टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है उसने उस प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार किया तो पचास डिस्टेंस के नाम पर हमारे पास क्या है तो डिस्टेंस के नाम पर हमारे पास उस ट्रेन की लंबाई है और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है क्योंकि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी यानी वो खुद को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी दोनों को तो डिस्टेंस में दोनों लिया जाता है ट्रेन की लंबाई का तो पता है कि कितना लेना है तो बोलेंगे सर चार लेकिन प्लेटफॉर्म का नहीं पता तो प्लेटफॉर्म को कितना मान लेंगे एक्स मान लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन हम लेंगे कितना मेरे भाई तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है और स्पीड भी नहीं पता खतरनाक है भाई सही है मतलब है 400 मीटर अच्छा ट्रेन की लंबाई पूछा गया ना और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है ठीक है चलो कोई बात नहीं ये जो है ना हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो x है हमारा ये देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 दे दी गई है और उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रेन की लंबाई हमारा जो है वो x हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है तो स्पीड ऑफ ट्रेन को हम एस मान लेते हैं ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया ठीक है उसके बाद यहां पर क्या कहा है कि और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है अब अगर हम बात करते हैं केस नंबर टू की तो केस नंबर टू का भी जो टाइम होगा वो बराबर होगा किसके डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होगा ना मेरे भाई अब इस केस में उसने कितने देर में पार किया है तो बोलोगे सर साठ सेकंड में उसने पार किया है ठीक है डिस्टेंस के नाम पर हमारे पास क्या है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई इस बार कितनी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी 600 मीटर है और ट्रेन की लंबाई हमारी x हो गई है ठीक है और स्पीड ऑफ ट्रेन हमारा st है अब जब आप यहां से सॉल्व करेंगे ना तो आपका st और यहां पर इसका रिलेशन निकलेगा गंदा सा इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन के बाद आप इसे जाओगे तो आपका सॉल्व होगा हो सकता है आपको ऑप्शन भी उठाना पड़ जाए तो मैं कभी भी इस वाले केस में मना करता हूँ कि इस वाले केस को बेसिक से मत जाइएगा ये बेसिक आपको उलझा के रख देगा बोलोगे सर कैसे पता है देखो ये वाला केस बेसिक से नहीं बनाना है आपको एक बहुत ही शॉर्ट अप्रोच हम आपको दे रहे हैं उस अप्रोच से आप बनाएंगे कभी बेसिक से नहीं बनाएंगे हम रहे थे बोलोगे सर लिखा क्यों ताकि हम आपको ये दिखा सकें प्रॉपर तरीके से कि यहां पर देखिए तो दो वेरिएबल बना यहां पर भी देखिए तो प्रॉपर दो वेरिएबल बना फिर इनको रिलेट करेंगे आप फिर इनको रिलेट हालांकि बन जाएगा दो वेरिएबल दो इक्वेशन बनना है आप इसको वाई मान लो तो एक्स वाई का एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई का एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा सॉल्व करोगे तो एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी वाई की भी वैल्यू आ जाएगी और फिर हिसाब किताब होगा बट मेरे भाई ऐसे नहीं कहते हैं ऐसे बनाएंगे नहीं हम पेपर में नहीं तो हमारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा ठीक है तो इसलिए यहां पर अब हमें क्या करेंगे अब हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं वो समझिए जब भी ऐसा हो कि एक ट्रेन हमारी जो है या तो किसी जो है प्रॉपर तरीके से किसी पर्सन को पार कर ले या फिर हमारा कोई प्लेटफॉर्म पार कर ले अब इस केस में आप देखोगे एक ट्रेन दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो जब भी ऐसा वाला केस आ जाए ना कि एक ट्रेन किसी दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को पार करती है तो यूं आप ऐसे समझिएगा मेरी बातों को ठीक है आपसे हम सेम बात बोलेंगे कि आप यहाँ पर देखिए जरा तो आपका टाइम का रेशियो मैं आपको दो तरीके से समझा सकता हूँ इस सवाल को ठीक है आप यहां पर समझिएगा मेरी बात को कि जब एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो उसे 50 सेकंड लग रहा था जब वो ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी इसका मतलब वो खुद को भी पार कर रही थी और इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही थी तब समय कितना लगा उसे पचास और जब उस ट्रेन ने छह मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया यानी उसने खुद को भी पार किया और यहां पर छह मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार किया तो समय कितना लगा साठ यहां से स्पीड आपका एक सेकेंड में आ जाएगा कैसे वो समझिए

किलोमीटर में बदलने के लिए किससे गुना अठारह बटे पांच से गुना पांच से, से अगर आप काटेंगे तो चार बार में यानी चार इंटू अट्ठारह हो जाएगा बहत्तर किलोमीटर पर आवर यहां पर देखिए सीधा स्मार्ट टेक्निक के माध्यम से आप यहां पर एक बार में सवाल के खोपड़ी में छेद कर देंगे ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा क्यों क्योंकि आपका यहां पर स्पीड निकल के आ गया फर्क अब बाद में देखेंगे ना लेंथ वेंथ क्या है क्या नहीं है तो मैं आपको क्या कह रहा था मैं यहां पर आपको कह रहा था सिंपल सी बात समझा रहा था कि आप यहां पर इस बात पे फोकस करो कि इस केस में उसने इसको भी पार किया और अपने खुद के भी लंबाई को पार किया इस केस में इतना इतना, इतना भी पार किया खुद के भी लंबाई को पार किया जब डिफरेंस लेंगे तो खुद की लंबाई खुद की लंबाई कट जाएगी यहां दो मीटर बचेगा और यहां डिफरेंस लेंगे तो दस सेकेंड यानी दो मीटर को वो दस सेकंड में ट्रेवल कर रही है यानी उसकी स्पीड दो सौ बटे दस इंटू बटे पांच यानी बेहतर सत्तर मीटर बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई ठीक है ये आ गया आपका अब अगर मान लो उस केस में अगर दो ऑप्शन ऐसे होते जो बहत्तर किलोमीटर पर आवर पर होते और आपसे यहां पूछा जाता लेंथ कि ये लेंथ बताओ लेंथ कितना है लेंथ कैसे निकालते आसान होता है यार ठीक है किसी भी एक केस को पकड़ लो दोनों केस में उससे आ जाएगा अब जैसे इसी केस में देखो ना चार मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को पचास सेकंड में पार कर रही है तो आप इसको लिखते कैसे तो बोलते कि टाइम बराबर हमारा हो जाता डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम में हमें कितना बोला गया पचास सेकंड तो पचास

ठीक है तो यहाँ पचास इंटू बीस कितना हो जाएगा हजार हजार में से चार सौ चला जाएगा कितना हो जाएगा छे सौ सीधा एक लाइन में आंसर दोगे आंसर आ जाएगा तो ये मेरा एक कंसेप्ट और मेरा एक ट्रिक याद रखना दोस्त कि जब भी एक ट्रेन दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ना तो इन दोनों का डिफरेंस ठीक है और इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना और स्पीड बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑन टाइम का कंसेप्ट लगा के स्पीड निकाल देना वहां पर ठीक है समझ गए भाई तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए में हमारा एक बहुत ही प्यारा शब्द है और वो शब्द हमारा क्या हो जाता है एकरू हो जाता है मुझे बताइए एकरू का मीनिंग क्या होता है कमेंट बॉक्स में ठीक है एकरू का मतलब क्या होता है एकरू का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना संग्रहित रखना ठीक है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है अब यहां पर देखो सीजल का सवाल बोला गया है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है और उसी चाल से यह रेलगाड़ी तीन मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर पाएगी ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया हमारा इसको भी अगर हम चाहें ना तो उसी रेशियो के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंट केस जाना पड़ेगा जैसे इस वाले क्वेश्चन को आप और भी ऐसे कर सकते थे अगर आप चाहते तो देखो जितना पोस्टमार्टम हो सकता है ना उतना किया करो आप लोग प्रॉपर तरीके से फायदा उसमें आप ही का है जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, तो इस क्वेश्चन में आपका क्या कांस्टेंट है हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो ट्रेन की जो स्पीड है वो हर जगह पर फिक्स है वो नहीं बदली है स्पीड उसकी फिक्स है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले उसे 50 सेकंड लगते थे अब उसे साठ सेकंड लगते हैं तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर टाइम का रेशियो पहले कितना था पचास और बाद में हमारा हो गया साठ यानी टाइम का रेशियो पांच और साठ ठीक है स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारा जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है मेरे भाई बदलास है मतलब ये फिक्स है यानी यहां पर अगर बात करें कि फिक्स है तो डिस्टेंस ज... और टाइम का रिलेशन क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा समझ गए स्पीड यहां पर फिक्स है तो हमारा टाइम का जो रेशियो है वो कितना है पांच और ठीक यहां पर इसको हम और शॉर्ट में इन दोनों का डिफरेंस एक सेकंड रुक जाएंगे आप अनुपात पांच है ठीक है तो यहां पर जो हमारा टाइम का रेशियो है पांच अनुपात छह है तो अगर हम इसका उल्टा करें तो हमें क्या मिल जाएगा स्पीड मिल जाएगा और स्पीड और डिस्टेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इसका उल्टा कर दे तो हमारा स्पीड मिल जाएगा स्पीड हमारा पांच देखो टाइम अगर पांच अनुपात छह है तो स्पीड हमारा और छाँच के अनुपात में आ जाएगा अब हमारा अगर स्पीड हमारा छः और पांच के अनुपात में आ जाएगा तो आपको भी पता है कि जो अनुपात स्पीड का होता है डिस्टेंस का भी वही अनुपात होता है जैसे मान लीजिए दो लोग हैं दस और बीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं तो एक एक घंटे के बाद वो फिर उतना ही दूरी चलेंगे यानी यहां स्पीड का रेशियो अगर छह और पांच का है तो हम ऐसा कह सकते हैं ये हमारा डिस्टेंस का भी रेशियो है ठीक है तो शुरू केस में यह डिस्टेंस कितना चल रही थी तो फोर हंड्रेड प्लस एक्स बाद वाले केस में कितना चली छे हंड्रेड प्लस एक्स यानी यहां पर अगर हम डिफरेंस देखेंगे दोनों में तो डिफरेंस हमारा कितने का है दो सौ का यानी अगर हम बात करते हैं डिफरेंस हमारा कितने का है मेरे भाई 200 का एक यूनिट हमारा, हमारा कितना दो सौ छह यूनिट हमारा कितना हो बारह सौ हो जाएगा और पांच यूनिटेगा चार तो मीटर की लंबी प्लेटफॉर्म थी तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी छे तो चार प्लस छे हमारा हजार आ जाएगा दूसरे केस की बात करें तो छे प्लस छे हमारा बारह आ जाएगा आप ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं इसको अगर थोड़ा सा घुमा देते और ना तो ऐसा कह देते कि टाइम का है हो जाएगा, का वैल्यू हो जाएगा। यहां पर पहले वाले केस में हजार में जो है चार मीटर की प्लेटफॉर्म थी तो छे मीटर का हमारा ट्रेन था ऐसे भी बोल सकते थे तरीके एक नहीं कई सारे होते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अब इसी क्वेश्चन में आप देखिए यहां पर तो 240 मीटर लंबी ट्रेन है जो किसी पर्सन को ओवरटेक करती है जो कि छ के रफ्तार में चलता है ठीक है नौ सेकेंड में

कर लिया नौ सेकंड में तो टाइम के जगह कितना लिखेंगे नौ जब ट्रेन मैन को पास करेगी मेरे भाई तो क्या मैन के पास लंबाई होगा बताओ क्या मैन के पास लंबाई होगा नहीं होगा ना यानी इस लेंथ के जगह डिस्टेंस के जगह सिर्फ किसकी लंबाई लिखेंगे ट्रेन की और वो कितनी हो जाएगी 240 सौ ट्रेन ने जब मैन को पार किया था तो क्या मैन के पास स्पीड था तो बोलोगे हाँ सर छे किलोमीटर का था और क्या वो मैन सेम डायरेक्शन में जा रहा था, था। अपोजिट में क्योंकि अपोजिट में प्लस करते हैं सेम में माइनस करते हैं तो बोलोगे सेम में था यानी यहां पर स्पीड में क्या करेंगे तो बोलेंगे एक्स अगर ट्रेन की स्पीड है और छह अगर मैन की है तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से माइनस कर देंगे और ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में करने के लिए पांच बटे से गुना इसका अठारह कहाँ चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा समझ गए मेरी बात को यहां से आपका सीधा क्या आ जाएगा x का वैल्यू 9 से काटेंगे दो बार में और 5 से काटेंगे तो आपका 48 बार में आ जाएगा 48 का दोगुना गुना छानबे तो x माइनस सिक्स बराबर कितना हो जाएगा 96 तो x की वैल्यू हमारी 96 सिक्स प्लस सिक्स एक आ जाएगी अब यहां पर सबसे पहले बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा ये x जो आया है ये मीटर पर सेकंड में आया है या फिर आपका जो है ठीक है मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में आए तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये जो 102 है ना ये किलोमीटर पर आवर में आया क्यों क्योंकि हमने किलोमीटर से किलोमीटर को घटाया है तो यानी ये किलोमीटर ही होगा ठीक है जैसे हमारा क्या था किलोमीटर पर आवर था तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना सेम क्वानिटी को जोड़ा जाता है सेम क्वानिटिटी को घटाया जाता है ये किलोमीटर पर आवर में था तो ये भी किलोमीटर पर आवर में ही था यानी एक्स की वैल्यू एक आ गई एक किलोमीटर पर आवर आप ऐसे समझ लीजिए ठीक है अब उसके बाद हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ थ्री मीटर लॉन्ग टनल विद सेम

कितना हो जाएगा तो 612 हम लेंगे और स्पीड हमारे पास क्या है क्या टनल के पास कोई स्पीड है नहीं है किसके पास स्पीड है ट्रेन के पास स्पीड है तो बस यहाँ पर ट्रेन की स्पीड लेंगे मेरे भाई ठीक है ट्रेन की स्पीड कितनी है 102 किलोमीटर पर आवर तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 102 लिख देंगे और ये किलोमीटर पर आवर पे है तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे पाँच बटे से गुना बाकी यहाँ पर नहीं भी बदलते सीधा मीटर पर सेकंड में मान बटी अठारह से आप यहाँ क्या करेंगे गुना करेंगे करेंगे ना क्योंकि ये जो आया है एक सौ दो किलोमीटर पर आवर ये आपका किलोमीटर पर आवर पे आया है और समय जो आपको यहाँ दिया गया है ये सेकंड में दिया गया है समझिएगा तो ये किलोमीटर पर आवर पे है मीटर पर सेकंड में हमने इसे बदल दिया है से अगर आप काटेंगे तो छह बार में कटेगा पांच से अगर आप ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है पाँच से वैल्यू हमारी कटेगी नहीं तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा अठारह का छः गुना एक सौ आठ और एक सौ आठ बटे पाँच मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है ठीक है बहुत ही अच्छे तरीके से एक बात समझा रखा है कि कभी भी किसी भी संख्या को अगर पांच से भाग करना है तो कुछ मत करो इसका दोगुना कर दो एक सौ आठ का दोगुना दो सौ सोलह हो जाता है एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा तो यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपने दोनों केस को समझा कि मैन को अगर क्रॉस कर रही थी तो क्या था और टनल को क्रॉस कर रही थी तो क्या था? क्या इसका को इसका को इस था इसका कोई शॉर्ट मेथड हो सकता है सोचो जरा यहां पर कि इसको हम इससे और शॉर्ट में कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं मेरे भाई यहां पर अगर आप टाइम का रेशियो देखो डिस्टेंस का रेशियो ले लोगे ना तो आपका सवाल यह बन सकता है कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है तीनों केस यहां पर देखो कांस्टेंट कुछ भी नहीं है पहले केस में यहां पर वो मैन को जो है क्रॉस कर रही है तो स्पीड यहां पर आ जाएगा ठीक है वो थोड़ा सा मुश्किल केस होगा लेकिन बना आप उससे भी सकते हैं ठीक है रेशियो मेथड से आप बनाने की कोशिश करेंगे ये आपका काम रहेगा आ जाइए उसी आधार पर एक और क्वेश्चन हमने आपके लिए छांट के निकाल दिया बाहर और ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं जहां पर कहा गया कि साढ़े चालीस किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में चौबीस सेकंड का समय लेती है तो साढ़े मीटर के लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी ठीक है यहाँ पर चलो हालांकि इस सवाल को और सेकंडों में किया जा सकता है अगर आप यहां पर जो है प्रॉपर तरीके से बनाए तो चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए ठीक है इसका आंसर आप लोग दीजिए एक बार हम लोग जो है होमवर्क में नहीं इसको हम लोग अभी लाइव क्लास में बनाएंगे इसको हम लोग होमवर्क में नहीं बनाएंगे अभी लाइव क्लास में बनाएंगे मैं चाहता हूं आप लोग इसका आंसर दीजिए देखिए दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं मेरे भाई समझिएगा एक तो बेसिक तरीका आपका हो गया और एक स्मार्ट अप्रोच हो गया स्मार्ट अप्रोच भी क्या हो गया हम आपको बता देंगे प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा इसमें स्मार्ट अप्रोच हम बताते हैं बेसिक आप लोग कर लीजिएगा ठीक है स्मार्ट अप्रोच हम बता दे रहे हैं और बेसिक जो है तरीका वो आप लोग कर लीजिएगा अब यहाँ पर देखिए ट्रेन की जो स्पीड है ना वो कितनी है तो साढ़े चालीस है साढ़े चालीस को हम क्या लिख सकते हैं तो सबसे पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिखिए आप चालीस का दो गुना अस्सी और एक इक्यासी बटे दो अब ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे तो बोलेंगे सर पाँच बटे अठारह से गुना कर दीजिए नौ से हमारा दो बार में जाएगा और नौ से हमारा कितनी बार में जाएगा नौ बार में कुल मिलाकर कितना आ गया पैंतालीस बटे चार मीटर पर सेकंड आ गया अब यहां पर हम ये क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये चार सेकंड में गाड़ी कितना भागती है पैंतालीस मीटर भागती है हम ऐसा कह सकते हैं ठीक है कि चार सेकंड में कितना भाग रही है पैंतालीस भाग रही है अब जरा सवाल में यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब कोई ट्रेन रन करती है ना तो उसको चौबीस सेकंड लगता है कितने को पार करने में पोल को पार करने में कंसेप्ट को पकड़ना दोस्त यहाँ पे मैंने कहा चार सेकंड में पैंतालीस भागती है और ट्रेन को लगा कितना था चौबीस सेकंड यानी इसने अपने आप का कितना लिया था छः गुना तो ट्रेन की जो लंबाई थी ना वो पैंतालीस का मेरे भाई छः गुना थी ठीक है पैंतालीस का गुना कितना हो जाएगा तो बोलोगे छ चौके चौबीस छः पचास यानी दो मीटर की हमारी जो थी मेरे भाई वो यहाँ पर आपको ट्रेन की लंबाई थी क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास 470 मीटर लॉन्ग ब्रिज ठीक है इतने मीटर लॉन्ग ब्रिज को पार करने के लिए उसको कितना समय लगेगा मैंने आपसे कहा देखो ट्रेन 270 मीटर की थी ठीक है तो आप ऐसे समझिएगा जैसे ठीक है ट्रेन को 24 सेकंड लगा किसको पार करने में तो एक पोल को पार करने में यानी अपने आप को पार करने में लगा है 24 सेकंड यानी इस 24 सेकंड में उसने कितने की दूरी तय की है तो 24 सेकंड में उसने 270 मीटर की दूरी तय की है आज के समय उस ट्रेन को खुद को भी पार करना है और ब्रिज को भी पार करना है खुद की लंबाई दो की है और ब्रिज की लंबाई चार की है दोनों को जरा जोड़ेंगे आप यहाँ पे तो बोलेंगे सर 720 हो जाएगा तो यानी 270 मीटर को पार करने में इतना सेकंड तो 720 को पार करने में कितना आप यहीं से कैलकुलेट करिए आपका आंसर आएगा जीरो से आपका जीरो खत्म नौ से आपका तीन बार में नौ से आपका आठ बार में तीन से आपका आठ बार में आठ इंटू आठ चौंसठ आएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर हो जाएगा क्योंकि मैंने कहा ना बेसिक आप खुद से कर लीजिएगा स्मार्ट अप्रोच इसका हम आपको बता देते हैं ठीक है तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया चार सेकंड लगते हैं तो 45 मीटर भागता है लगे 24 सेकंड थे यानी इतना भागा था ये ट्रेन की लंबाई निकल गई इतनी लंबाई को पार करने में 24 सेकंड तो ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना तो 64 ये हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है कोई दिक्कत की बात यहां पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है एमटीएस का एक प्यारा सा क्वेश्चन सवाल में क्या है 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार कर सकती है इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर सकती है पुल की लंबाई कितनी है जो बेसिक का जो कंसेप्ट है जो बेसिक का पूरा का पूरा एक तरीका है वो हमने आपको सिखा दिया है तो आप इस सवाल को बेसिक से कर लेना मेरा काम यहाँ स्मार्ट अप्रोच बताना है ताकि आपका समय हम बचा सकें वो हम बचाएंगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेन की लंबाई साढ़े सात सौ मीटर दी गई है और खम्बे को पंद्रह सेकंड में पार करती है बताने की तो जरूरत है नहीं ना कि ट्रेन कभी भी अगर किसी खम्बे को पार करती है इसका मतलब वो खुद को पार कर रही है यानी कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे ये कहना चाह रहा है कि देखो इतना मीटर को वो इतना सेकंड में क्रॉस कर रही है समझ गए बात को अब कहा गया कि इसी चाल से यात्रा करते हुए एक ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर लेती है तो पुल की लंबाई कितनी होगी ठीक है यानी हम आपसे पता है क्या कहना चाहते हैं हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो 15 सेकंड में उसने इतना ट्रैवल किया तो 25 सेकंड में वो कितना ट्रैवल की होगी बस ये पता कर लो और उस डिस्टेंस में से मेरे भाई आप यहाँ पर जो है साढ़े सात सौ घटा देना या उससे भी आसान और समझाते हैं थोड़ा सा हम आपको ठीक है कि ट्रेन जो है पंद्रह सेकेंड में कहा पार कर रही है है, तो पंद्रह सेकंड में साढ़े सात सौ मीटर वो पार करती है ठीक है और जब वो किसी <स्याग> जो प्रॉपर तरीके से पुल को पार कर रही थी तो उसको 25 सेकंड लग गए इस 25 सेकंड में 15 सेकंड तो उसको खुद को पार करने में लगा होगा यानी पुल को पार करने में कितना लगा होगा तो पुल को पार करने में मात्र 10 सेकंड लगे होंगे मेरी बात को समझिएगा ट्रेन ने जब अपने आप को पार किया तो कितना सेकंड लगा पंद्रह सेकंड ट्रेन ने जब अपने आप को और पुल को पार किया तो पच्चीस सेकंड पच्चीस का मतलब पंद्रह खुद के लिए और दस हमारा पुल के लिए ठीक है तो हम वही बात कह रहे हैं कि पंद्रह सेकंड लग रहा है तो वो गाड़ी कितना जा रही है तो पंद्रह सेकंड में वो साढ़े सात सौ मीटर ट्रेवल कर रही है यानी एक सेकंड में कितना कर रही है पचास तो अगर एक सेकंड में पचास कर रही है तो दस सेकंड में कितना करेगी पांच सौ तो पुल की लंबाई कितनी थी 500 सौ ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा समझ गए तो रटना कुछ भी नहीं है बहुत आसान तरीके से चीजों को समझना है ठीक है कि अपने आप को पार करने में पंद्रह सेकंड और पुल को पार करने में पच्चीस इस पच्चीस में पंद्रह खुद के थे यानी पुल के लिए कितना था दस तो यहां पर पंद्रह का पचास गुना था तो दस का पचास गुना कितना हो जाएगा 500 सौ ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक आपको सिखाया दोस्त आप बेसिक से कर लेना दिक्कत आएगी तो बताना ठीक है चलो वीडियो को लाइक करते रहो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो अगर कंसेप्ट अच्छे लगते हैं तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस A 300 meter long platform in 30 second, and over to command walking in the same direction at 6 kilometer per hour in 20 second. What is the value of x? हालांकि देखो x की कभी कोई वैल्यू नहीं होती है बट सवाल के अनुसार तो निकालना पड़ेगा तो x किलोमीटर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे व्यक्ति को इतना में ओवरटेक करती है सीपीओ का क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है करते हैं दो केसेस हैं पहले उसने किसको पार किया है मेरे भाई यहाँ पर तो पहले उसने प्लेटफॉर्म को पार किया है और दूसरे केस में उसने व्यक्ति को पार किया है आप यहाँ पर बेसिक से जब बनाएंगे तो आप यहाँ दोनों केस लिखिए कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है और उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से ये हमारा मैन है जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितने समय में पार किया तो यहाँ पर जो है तीस सेकेंड में पार कर लिया तो टाइम के जगह पर तीस लिख देंगे डिस्टेंस के केस में क्या होता है तो डिस्टेंस हमारा लेंथ जो लेंथ है वो ट्रेन के पास भी है और वो हमारा प्लेटफॉर्म के पास भी है यानी अगर हम बात करें तो हम दोनों के पास ठीक है तो यहाँ पर जो है ट्रेन की लंबाई दी गई है तो नहीं दी गई यानी सिर्फ 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है ये कहा गया है ठीक है तो यहां पर ट्रेन की लंबाई को लेंथ ऑफ ट्रेन बोल देंगे और प्लेटफॉर्म की लंबाई को 300 बोल देंगे और ट्रेन की जो रफ्तार है ना उसको हम क्या बोलेंगे x बोल देंगे और x जो है किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पांच बटे अठारह हो गया यह हमारा पहला केस है दूसरा केस यहाँ पर क्या है ठीक है एंड ओवर टू का मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन इन सिक्स किलोमीटर पर आवर इन ट्वेंटी सेकेंड उसने मैन को पार किया यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा टाइम बराबर हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कितने देर में उसने पार किया है तो 20 सेकंड में उसने पार किया है डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो किसके पास डिस्टेंस है दोस्त तो यहां पर बोलोगे सर डिस्टेंस जो है प्रॉपर तरीके से ठीक है अगर हम बात करें तो डिस्टेंस प्रॉपर तरीके से किसके पास है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के पास यानी एल टी है और स्पीड जो है देखो जब कोई ट्रेन किसी मैन को पार करेगी तो डिस्टेंस तो उसी के पास होगी ना ठीक है मैन के पास तो कोई डिस्टेंस होगा नहीं और स्पीड के, के केस में क्या होगा क्या दोनों के पास स्पीड है ये देखिए आप तो बोलेंगे ट्रेन की स्पीड कितने की है एक्स की है यहाँ पे और यहाँ पर पर्सन की कितनी है तो सिक्स किलोमीटर पर आवर है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं अपोजिट में तो बोलेंगे सेम में यानी बोलेंगे एक्स माइनस सिक्स रिलेटिव स्पीड हो जाएगा और फिर इसको हम क्या करेंगे तो इसको हम पांच बटे अठारह से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदल देंगे यहां से आप करेंगे ना तो Lt की वैल्यू आपकी इक्वेशन को, तो आप तो को हम दोबारा रख रहे हैं दो इक्वेशन हमारे बने बेसिक से मैं बता रहा हूं अभी यहाँ पे तो यहाँ बोलेंगे सर तीस हो जाएगा ठीक है और ये पूरा का पूरा चला जाएगा तीस इंटू एक्स इंटू पांच बटे अठारह ठीक है ये बराबर हो जाएगा किसके एल टी प्लस थ्री हंड्रेड के और एल टी की वैल्यू यहाँ कितनी है तो बोलेंगे सर एल टी की वैल्यू बीस इंटू ठीक है एक्स माइनस सिक्स इंटू पांच बटे अठारह ये हमारा एल टी का वैल्यू है दिखाना बीस इंटू इतना ये पूरा हमारा एल टी का वैल्यू है और प्लस हमारा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर प्लस हमारा तीन तीन सौ हो जाएगा सर ठीक है अब यहाँ पर देखते चलो कोई दिक्कत नहीं है आप बोलोगे सर देखो छः से हमारा कितनी बार में गया तो पाँच बार में छः से हमारा तीन बार में तो बोलेंगे सर ट्वेंटी फाइव बटे तीन एक्स ये हमारा हो गया ठीक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर छः से कुछ कटेगा वटेगा है नहीं दो से कटना होगा तो कट जाएगा दो से हमारा नौ बार में और दो से हमारा दस बार में तो दस इंटू पाँच हमारा हो जाएगा पचास बटे नाइन ठीक है अब ये हमारा पचास बटे 9 हो गया तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा और ये पचास बटे 9 को हम छः से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे सर पचास बटे 9 कितना हो जाएगा सर सिक्स हो जाएगा प्लस हमारा 300 ये x वाली वैल्यू हमारी एक साथ आ जाएगी ठीक है या अगर शुरू से कुछ कट सकता था तो एक काम करो शुरू से काट लो कोई फर्क पड़ता नहीं अगर आप शुरू से कुछ काट सकते हो तो शुरू से ही काट लो जो सब में आपको कॉमन दिख रहा है जैसे मानो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना ठीक है अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो जैसे ज़ीरो इसके पास भी है ज़ीरो इसके पास भी है ज़ीरो इसके पास भी है वो कट सकता है और कहीं पर कुछ काटा जा सकता है तो नहीं कुछ और नहीं काटा जा सकता है खैर इससे कुछ ख़ास फ़र्क हुआ नहीं हमारा ठीक है तो हम यहाँ पर बोलेंगे फाइव एक्स अपॉन्स सिक्स हो गया हमारा ये अगर हम इसे बात करते हैं तो उसे हमने नौ बार में काटा तो फाइव माइ नाइन इन एक्स हमारा हो जाएगा ठीक है और ये हमारा हो जाएगा तीस बटे नौ माइनस में प्लस हमारा हो जाएगा तीन सौ यहाँ पर फर्दर अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए नौ पचे पैंतालीस इसको अपले कराइए तो फाइव बाई सिक्स एक्स ये बड़ा लंबा सा बन गया मेरे भाई बहुत बेकार सा गंदा सा इक्वेशन बन गया ये तो ठीक है नौ इंटू तीन सत्ताईस नौ तिरके सत्ताईस हो ये तो काफी लंबा बन जाएगा यार ये तो काफी लंबा सवाल हमने बना दिया है काफी लंबा सवाल हमने बना दिया है पांच भी काट ही सकते हैं अगर हम सवाल को देखो तो जैसे मानो पांच यहां से कट जाएगा पांच यहां से कट जाएगा पांच यहां से कट जाएगा ये एक्सपॉन्ट सिक्स हो जाएगा एक बार रुकना जरा और ये एक्स माइनस सिक्स अपॉन नाइन हो जाएगा प्लस हमारा सिक्स हो जाएगा पर दर अगर मान लो अठारह से सब में गुना करते हैं तो ये हमारा तीन एक्स हो जाएगा ये हमारा दो एक्स माइनस बारह और ये हमारा हो जाएगा अठारह छः के एक सौ आठ ठीक है तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक सौ आठ में से हमारा कितना हो जाएगा तो नाइन्टी सिक्स हो जाएगा हालांकि जो है 96 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कटिंग का थोड़ा सा रोल था यहाँ पर बाकी कुछ था नहीं जैसे मान लो कि प्लेटफॉर्म वाला पूरा का पूरा केस लिख दिया मैन वाला पूरा का पूरा केस लिख दिया यहाँ से हमने एल की वैल्यू निकाली और उस एल को हमने उसके अंदर रख दिया तो ये हमारा पूरा इक्वेशन बना इसमें हमने पहले क्या किया कि सब अंदर जीरो 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 था तो वो काट दिए पाँच 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 था वो काट दिया फिर यहाँ पर हमारा बच गया फाइनली एक्स ए पॉइंट सिक्स यहाँ पर हमारा बच गया इतना मैंने सब में अठारह से गुना लगा दिया तो तीन एक्स आ जाएगा यहां टू 18 माइनस ट्वेल्व हो जाएगा अठारह मुझे तो हम बना सकते हैं और भी शॉर्ट में हम इसे कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि इसको इसी तरीके से लेके जाया जाए यहां पर ना कि ट्रेन ट्रैवल कर रही है जो 300 किलोमीटर पर आवर को 30 सेकंड में जाती है कर सकते हैं टाइम स्पीड का रेशियो लेकर हम कर सकते हैं अगर मान लीजिए कि एक पल के लिए जो है ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ सक्सेसफुल हो गया तो बहुत अच्छी बात है हमारे पास एक नया मेथड आ जाएगा ठीक है हम यहाँ पर ऐसे लेके चल रहे हैं ना हम यहाँ पर ऐसे लेके चल रहे हैं समझिएगा मैं यहाँ थोड़ा रेशियो मेथड का सहारा ले रहा हूँ जैसे डिस्टेंस है तो पहले केस में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा तो ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ इतना तो पहले केस में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो एक्स प्लस थ्री हंड्रेड होगा ठीक है और दूसरे केस में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो एक्स ट्रेवल किया होगा ठीक पहले केस में यहां पर जो है डिस्टेंस बराबर स्पीड इन टाइम होता है ना तो यहां पर स्पीड पहले ले लो फिर टाइम ले लो वो ज्यादा सही रहेगा लेकिन स्पीड भी तो नहीं दिया है फायदा नहीं होगा हटाइए कोई रेशियो वेशियो मेथड लेने का कोई फायदा होगा नहीं उससे कंफ्यूजन हमारे और बढ़ेंगे उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं मैं कुछ नया देख रहा था कि कुछ नया किया जाए तो ज़्यादा सही है हटाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है आ जाइए नेक्स्ट वाले टाइप पर हम लोग आते हैं ठीक है जो आपका लास्ट टाइप है इस टाइप में आपसे कहा गया है कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी तो उस केस में क्या होगा अब वो केस होता है हमारा कि ये दोनों ट्रेन या तो सेम दिशा में जा रहे हैं ठीक है या दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं अब जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो इस केस में मेरे भाई लंबाई दोनों के पास होती है और गति भी दोनों के पास होती है यानी लेंथ के जगह पर हम दोनों को यूज करेंगे और स्पीड के जगह पर जो है वो भी हम दोनों को यूज करने वाले हैं यही बातें यहां लिखी गई है तो एक सी का क्वेश्चन आप जरा यहां देखो तो कहा गया दो मीटर और दो मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें एक मीटर के दूरी पर है समानांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटे और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं एक आ, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे तो हमने कहा कि देखो पहली ट्रेन ये आपकी है और ये कितने मीटर की है तो बोलेंगे 230 मीटर की दूसरी ट्रेन जो है वो आपकी कितने मीटर की है तो दो मीटर की है ठीक है और दोनों की कितनी की दूरी पर है मेरे भाई तो एक की दूरी पर यानी दोनों के बीच में दूरी हमारी कितनी है तो एक की दूरी है समानांतर पटरियों पर क्रमशः ठीक है इतना कि वे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, अपोजिट में जा रही हैं, ठीक है अब ये आपका कंसेप्ट है एक ट्रेन यहां एक ट्रेन ठीक और उसके बाद क्या सर देखो, इस ट्रेन के पास, है, इसके पास भी डिस्टेंस है और बीच में भी डिस्टेंस है यानी डिस्टेंस में हम तीनों लेंगे इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि रटना नहीं है समझना है आपको एक बार ठीक है तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा तीनों को दो सौ एक और दो सौ सौ चालीस तीस सत्तर सत्तर और तीस सौ यानी डिस्टेंस के नाम पर कितना हो जाएगा तो छः सौ हो जाएगा अब बात करते हैं स्पीड को लेकर क्या स्पीड दोनों के पास होगी तो बोलेंगे हाँ सर दोनों के पास होगी और जो दोनों के पास जो स्पीड होगी उसको हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड को प्लस करेंगे ठीक है स्पीड हमारी कितनी है 160 है और इसकी स्पीड कितनी है 200 है तो दोनों के स्पीड को हम प्लस करेंगे यानी स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी तो स्पीड हमारी 360 हो जाएगी ये स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में है इसको मीटर पर सेकंड में बदलने की जिम्मेदारी हमारी है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा पाँच पटी अठारह से बदलेंगे इसका अठारह कहाँ चला जाएगा तो इसका अठारह हमारा ऊपर चला जाएगा भाई ठीक है चलो थोड़ा सा कट्टम कुटाई कर लो यार यहाँ पे जीरो से आपका जो है वो जीरो खत्म हो जाएगा अट्ठारह से आपका दो बार में पांच इंट दो दस दस का मतलब एक जीरो खत्म यानी सिक्स बचेगा तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ठीक है तो ये भी ठीक है अच्छा ही सवाल कह सकते हैं आप इसे आ जाइए बात करते हैं, का एक और अच्छा दो ट्रेन है दोनों की लंबाई 200 मीटर है एक्स दोनों दोनों में इफ स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 90 देन फाइंड द स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे सेम कोई दिक्कत नहीं दो ट्रेन इतना मीटर लॉन्ग मूव इन अपोजिट डायरेक्शन हमेशा मैं कहता हूँ टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितने देर में इन लोगों ने पार किया है तो टाइम पे जगह 10 सेकंड लिखेंगे डिस्टेंस की बात करते हैं ये जो ट्रेन है तो किसको पार कर रही है मैन को पार कर रही है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन को तो बोलेंगे को, सर। अब के पास आप ये देखो, तो 200 200 की की -मीटर, ले तो मीटर ले लेंगे अब बात करते हैं स्पीड को लेकर मेरे भाई तो स्पीड में अगर आप यहां देखेंगे तो दोनों ट्रेन के पास स्पीड है ठीक अब स्पीड में दोनों के पास है तो अगर वो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को माइनस करना है और अपोजिट आते हैं 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 तो 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 प्लस प्लस करना है। है तो है कहा गया एक ट्रेन की 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 स्पीड 90 और दोनों के दोनों दोनों के अपोजिट अपोजिट में 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 जा रहे हैं। तो में जा रहे रहे तो क्या करेंगे यानी यानी मानो पहले वाले वाले रफ्तार अगर होगी दूसरे वाले की नब्बे है, तो दोनों को जोड़ देंगे। ये किलोमीटर पर आवर आपका जीरो खत्म यानी हम बोलेंगे सर x प्लस नाइन्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी तो बोलेंगे सर 54 किलोमीटर पर आवर इज़ द करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर है सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है ठीक है ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार है आप ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है बस थोड़ा सा अच्छे लेवल का हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका मुझे थोड़ा सा वेट है ठीक है

पूछे जाते हैं मैंने कहा कोई बात नहीं बढ़िया सवाल है आप समझिए इस बात को क्या बोला गया तो पहली बात यहां कहा गया कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात आपको दे रखा है ए की चाल दे रखी है और बी की भी चाल दे रखी है साथ में विपरीत दिशा में यात्रा करते वक्त वे एक दूसरे को दस सेकेंड में पूरी तरीके से पार कर लेते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ वाले लाइन के लिए स्टेटमेंट लिखिए बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है आप मुझे बताइए कितने सेकंड में पार किया है ठीक है दो ट्रेनें हैं ना कितने सेकंड में इन लोगों ने पार कर लिया है तो दस सेकंड में पार कर लिया है टाइम की जगह दस लिख देंगे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पर डिस्टेंस की जो अनुपात है टू रिशू थ्री यानी इसको टू एक्स और इसको कितना मान लेंगे तीन एक्स तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा तो फाइव एक्स आ जाएगा स्पीड की बात मेरे भाई यहां पर करते हैं कि स्पीड हमारे पास कितना है किसका है तो इसकी स्पीड हमारी थर्टी सिक्स है और इसकी स्पीड हमारी फिफ्टी फोर है क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं अपोजिट में आ रहे हैं तो आप यहां पर बोलेंगे सर कि ए और बी जो है लंबाई का अनुपात विपरीत दिशाओं में यात्रा करते वक्त तो विपरीत दिशा में दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा नब्बे चौवन छत्तीस कितना हो जाएगा नब्बे स्पीड को हम नब्बे ले लेंगे किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए पांच बटी अठारह से इसे गुना कर दिया जाए ठीक है और इसकी मांग पूरी की जाए पांच से पांच खत्म अठारह से कितनी बार में पांच पांच इंटू दस यानी X की कितनी आ जाएगी पचास अगर X की वैल्यू पचास आ गई तो यहाँ पर दोनों का लेंथ निकल जाएगा ठीक है ट्रेन ए का भी लेंथ निकल जाएगा पचास का दो गुना सौ और पचास का तीन गुना डेढ़ सौ दोनों की लंबाई आ गई क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है ठीक है कि यहाँ पर ट्रेन बी कितने समय में इतने मीटर लंबे सुरंग को पूरी तरीके से पार कर लेती है अब एक ट्रेन एक सुरंग को पार करना चाहती है और उसके इसमें उससे समय पूछा गया है तो हम क्या बोलेंगे बोलेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये किसको पार करना चाहती है तो सुरंग को तो यानी डिस्टेंस जो है वो ट्रेन के पास भी होगा और सुरंग के पास भी होगा ट्रेन की लंबाई कितनी होगी एक्स की वैल्यू 50 है और ट्रेन बी पार कर रही है यानी 50 इंटू तीन यानि कितना 150 तो ट्रेन की लंबाई 150 की है सुरंग की लंबाई साढ़े चार की है तो साढ़े चार और 150 हमारा कितना हो जाएगा 600 तो डिस्टेंस के नाम पर है 600 स्पीड की बात हम कर लेते हैं यहाँ पे तो ट्रेन बी की रफ्तार कितने की है तो चौवन किलोमीटर प्रति घंटा की है तो स्पीड के जगह पर चौवन ले लेंगे ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए पाँच बटी से गुना करेंगे भाई अठारह से कितनी बार में तीन बार में पांच इंटू तीन पंद्रह पंद्रह से हमारा जो है ये कितनी बार में जाएगा चालीस बार में तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर है समझ गए तो आसान आसान क्वेश्चन है यार कुछ भी नहीं है मतलब वही है कि आपका ट्रेन क्रॉस की तो एक्स की वैल्यू निकाल लिया फिर उसको यहाँ पर रख दिया तो इसकी वैल्यू आ गई कुछ भी नहीं है दोस्त यहाँ पे ठीक है

टेक टू क्रॉस ट्रेन ए वैन बोथ द ट्रेन आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन ये ट्रेन का थोड़ा ढंग का और बढ़िया सवाल ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई आपका अपना ही चैनल है वीडियो को लाइक करते रहो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है थीके? समझ रहे हैं अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू इस वीडियो से मिल रही है ना दोस्त तो वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा हमारा जो एनर्जी है वो और बढ़ाइए अच्छा लगेगा तो सारे केसेस हम यहाँ डिस्कस करते हैं सबसे पहले हमसे क्या बोला गया कि दो ट्रेन हैं और ट्रेन ए की लंबाई फोर बाई फाइव है हमारी ट्रेन बी के यानी साफ तौर पर यहां से आपको रेशियो देखने को मिल रहा है कि ट्रेन ए इज फोर बाई फाइव ऑफ ट्रेन बी तो अगर हम बात करें ए की लंबाई फोर बाई फाइव है किसके बी के तो बस इस बी को यहां से गायब करके यहाँ लेकर आ जाओ यानी ए और बी की लंबाई फोर और फाइव की है साफ तौर पर है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बी दिया हुआ है एंड ट्रेन एंड बी टेक 15 सेकेंड टू तो क्रॉस इच अदर कंप्लीटली बस यही पर व्हेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन जहां फुल स्टॉप खत्म होता है खत्म करो ठीक है तो यहाँ क्या बोलोगे बोलोगे सर टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड दो ट्रेनें चल रही थी दोनों के दोनों अपोजिट में चल रही थी और उन्होंने क्या किया एक दूसरे को क्रॉस कर लिया टाइम हमारा कितना लगा तो बोलेंगे सर टाइम हमारा पंद्रह सेकंड लगा तो टाइम की वैल्यू हमारी पंद्रह आ गई डिस्टेंस में हमारे पास दोनों के पास डिस्टेंस है ये फोर एक्स है और ये फाइव एक्स है तो डिस्टेंस के नाम पर नाइन एक्स ले लेंगे स्पीड हमारे पास किसके पास है तो बोलोगे सर स्पीड जो है वो दोनों के पास है अपोजिट में जाएंगे तो प्लस कर देंगे सेम में जाएंगे तो माइनस कर देंगे इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी है तो सिक्सटी थ्री और इसकी स्पीड फोर्टी फाइव है दोनों को ज़रा जोड़िए ठीक है तो बोलेंगे सर 108 ये हमारा कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर में है मीटर पर सेकंड में भी बदलना है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुना पांच बटे अठारह से काटिए यहां पर जल्दी से तो बोलेंगे अठारह से कितनी बार में जाएगा सर छः बार में ठीक है कितनी बार में जाएगा छः बार में तीन से हमारा तीन बार में तीन से हमारा पाँच बार में तीन से वैल्यू दो बार में पाँच इंटू दो दस दस इंटू पाँच पचास वापस से एक्स की वैल्यू आ गई पचास अगर एक्स की वैल्यू पचास आ गई ना यानी यहाँ पर दोनों ट्रेन की लंबाई आ गई पचास का चार गुना दो सौ और पचास का पाँच गुना ढाई सौ ये दोनों की लंबाई हमारी निकल गई है ठीक है अब उसके बाद ये लंबाई निकलने के बाद हमारा काम क्या है ज़रा हम उस पर भी देख ले एक बार तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ कहा गया है कि हाउ मच टाइम will it train C of length itna meter running at a speed of itna kilometer टेक टू ट्रेक क्रॉस ट्रेन ए वैन बोथ द ट्रेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन अब एक सी नाम की कोई ट्रेन है वो ट्रेन ए को क्रॉस करना चाहती है और वो सी नाम की ट्रेन और ट्रेन ट्रेने दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो टाइम पूछा गया है हमने कहा बस इतना ही बात टाइम बराबर वापस से क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड बताएंगे ये जो ट्रेन सी है वो किसको क्रॉस करना चाहती है ट्रेन ए को यानी डिस्टेंस हम दोनों का लेंगे ट्रेन सी का डिस्टेंस एक सौ साठ मीटर और ट्रेन ए का डिस्टेंस दो सौ तो दो सौ और एक सौ साठ हमारा कितना डिस्टेंस हो जाएगा तो बोलेंगे 360 हो जाएगा ठीक है क्या स्पीड दोनों के पास है तो बोलेंगे हाँ जी इसके पास 90 की रफ्तार है और ए के पास की जो रफ्तार है ना वो हमारी कितनी है 63 है तो इसकी रफ्तार 90 हो गई और इसकी रफ्तार 63 हो गई दोनों को लेंगे वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट में तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम में जा रहे हैं तो स्पीड को क्या किया जाएगा माइनस नब्बे में से सिक्सटी थ्री को माइनस करिए तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है <coughs> ट्वेंटी सेवन आ जाएगा नब्बे से इसको माइनस करिए ट्वेंटी सेवन ये किलोमीटर पर आवर में है मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए पाँच बटे अठारह से गुना ये अठारह को यहाँ ना रख के आप सीधा का सीधा ऊपर भेज दीजिए ज़्यादा बेहतर अच्छा लगेगा सुंदर लगेगा सुशोभित लगेगा ठीक है नौ से आपका दो बार में जाएगा नौ से आपका तीन बार में जाएगा ये पाँच और तीन पूरा का पूरा पंद्रह है कितना है पंद्रह है तो मैंने पंद्रह से इसको दो बार में काटा तो तीस हो गया पंद्रह से चार बार में चौबीस इंटू दो हमारा अड़तालीस आ गया ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है तो ICAR में थोड़े से ढंग के क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे ठीक है ये हमारा पेपर का सही था फॉर्मेट ठीक हमेशा एक ही बात को ध्यान रखना है रटना कुछ भी नहीं है लंबाई किसके पास है और स्पीड किसके पास है ये बड़ा फर्क आता है ठीक है तो डी फॉर क्या हो जाएगा डिलीजेंट हो जाएगा मेरे भाई और भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पर जैसे मैंने दे रखा है टू ट्रेन हुज लेंथ इज ऑफ 170 सेवेंटी क्रॉस इज ईच अदर एन सिक्सटीन बट अपोजिट में जाते हैं तो 36 में क्रॉस करते हैं वेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन ऐसे करके तो फास्टर की इतनी है स्लोअर की कितनी होगी या स्लोअर के देखे फास्टर की कितनी होगी और भी कई सारे सवाल हैं बट यहाँ अभी जो है आ, शायद प्रशांत सर की अभी क्लास होगी दस बजे से ठीक है तो अभी उनकी क्लास है बढ़िया तरीके से आप लोग उनकी भी क्लास को एंजॉय करिए बढ़िया पढ़ाते हैं बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं इंग्लिश में आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं मेरे भाई ठीक है तो मेहनत आप लोग प्रॉपर तरीके से करते रहिए आज की क्लास में यहीं पर वाइंड अप करते हैं अगर आपको प्रॉपर तरीके से सारे पीडीएफ चाहिए जितने मैंने अभी तक पढ़ा रखा है आराम से आपका अपना टेलीग्राम है दोनों रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन दोनों टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा आपको दोनों टेलीग्राम पर पी हमारी मिल जाएगी ठीक है ये रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन साथ कल में कल मैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ फ्री में मिलेगा तो कल की वीडियो का जो है प्रॉपर तरीके से इंतज़ार करिए बहुत कुछ आपको मिलने वाला है एक मेरे भाई ये बहुत टाइम से परेशान है ये क्या लिख रहे हैं तब से ठीक है पता नहीं स्पैम स्पैप स्पैमर हैं क्या है धीत अहीर करके नहीं ये नहीं है ये हाँ यही है सर मुझे मैथ रट जाता है मुझे मैथ रट जाता है तो आज के बाद आप रटिए बैठ के बढ़िया तरीके से आपको हाइड ही कर दिया जाता है लीजिए ढी जी आप हाइड हो चुके हैं बहुत देर से आप तबाही मचाए हुए थे कमेंट बॉक्स में ठीक है अब मचा लीजिए तबाही जितना मचाना है यू आर अ गुड बॉय थी जी ठीक है अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक चलिए साथ में एक और बात बता देते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो वो बात आपकी ये है कि आपका मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है इस मैथ्स में हमने कंप्लीट बैच पढ़ा रखा है कंप्लीट अर्थमेटिक कंप्लीट एडवांस बड़े प्यार तरीके से बड़े अच्छे तरीके से तो जो भी स्टूडेंट पूरे कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहता है किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहता है मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लेकर आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है और ये जो बैच मिलेगा वो कहाँ मिलेगा तो आर जी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, और ये आपके इंक्वायरी नंबर है इस इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके आप किसी भी तरीके से कोई भी समस्या हो तो बात कर सकते हैं ठीक है अब हमारे अजीत जी चले गए हैं पाताल लोक में वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि उनको चीज़ें रट सी जाती हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर तो मैथ्स का एक लाइव बैच भी हमारा जिसमें हम आपको कंप्लीट मैथ बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रैच से पढ़ाते हैं इसकी क्लासेस रोज़ शाम साढ़े छः बजे चलती है नया टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है तो इसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा ज्वाइन करके तो उसके लिए आप आर जी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके सेम वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं जिस तरीके से हमारा लाइव बैच है ना उसी तरीके से हमारा कॉम्बो बैच है और मैं बोलूँगा कॉम्बो बैच आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है क्यों क्योंकि इसमें सिर्फ मैं नहीं सारे टीचर बहुत मिलकर बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट लगाकर आपको पढ़ाते हैं ठीक है जिसमें कंप्लीट मैथ कंप्लीट इंग्लिश कंप्लीट रीजनिंग कंप्लीट जीएस आपको मिलता है और जो फीस है वो 900 900 900 सौ नौ यानी छत्तीस है लेकिन आपको जो है काफ़ी कम प्राइस में यानी पच्चीस में आपको ये कंप्लीट मिल जाता है ठीक है तो बढ़िया से पढ़ाई करो ऑफर आपको जो है वो मिल रहा है यहाँ पर भी ग्यारह का और आपको यहाँ पर जो बैच लेना है तो कहाँ से लेंगे आर जी विक्रमजीता एप्लीकेशन कोई भी समस्या होगा तो कहाँ कॉल करेंगे इंक्वायरी नंबर पर ठीक है तो ओवरऑल हमने आपको हर जगह से बेनिफिट पहुँचा रखा है चाहे वो एप्लीकेशन है ऑनलाइन की क्लासेस हैं और भी हैं कल एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम बोट एंड स्ट्रीम को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कवर अप करके खत्म करके उसके बाद हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री ठीक है मेरा जो मान है वो यहाँ पर यह है कि ज्योमेट्री को शुरू किया जाए ताकि उसमें बच्चे काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा फायदा होगा ना तो मतलब ठीक है ज्योमेट्री हो गया मैंसुरेशन हो गया दो टॉपिक हमारे पचास दिन पचास में रातन में एडवांस के बाकी हैं इन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है ठीक है तो यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया ट्रेन हो गया और बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री ख़त्म करेंगे ठीक है फिर मैंसुरेशन और फिर आगे और भी टॉपिक्स को ठीक मिलते हैं कल के सेशन में आज के लिए इतना ही धन्यवाद